बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एसएसई इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल खुश आमदीद। आज जी हमारे पास एक टेलीविजन आया है जी, एल जी का चैनल एल जी है, तो इसको हम देखते हैं जी क्या फॉल्ट है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। अभी इसको ऑन करते हैं, टेलीविजन को प्रॉपर करते हैं, इसको क्या फॉल्ट है जिसको स्टैंड बाई पर हम रखा हुआ है। तो टेलीविजन को देखते हैं हम, हमने ऑन किया है जी, ये देखें टेलीविज़न ऑन हो गया है। एक टेलीविज़न की जब आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है आपको गिरा रहा था, तो ये देखें इसके बाद जितने भी कर लें आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही टेलीविज़न में। इसमें जो साउंड का इशू है जी, पिक्चर बिल्कुल ओके है, तब इसको चेक करते हैं जी, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसमें क्या फॉल्ट है। देखें जी साउंड जो है बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा साउंड, इसको खोल कर चेक करते हैं जी। टेलीविज़न को हमने खोल लिया जी, तो सबसे पहले हम जो चेक करेंगे इसके जो स्पीकर हैं इसको चेक करेंगे जी, इसके बाद हम फिर आगे चेक करेंगे स्पीकर की ग्रिप को हम उतार लेते हैं जी। देखें ग्रिप लगा हुआ स्पीकर का, इसको हमने उतारा। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, तो अब हम जो है इसको चेक करते हैं जी हमारे स्पीकर को, इधर से लगा के कहें क्या हमारा स्पीकर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीटर को कंटिन्यू पे किया हमने, तो इसको हम चेक करते हैं जी। हमारे जो स्पीकर के जैक हैं जी, इनमें अब हम प्रॉब्स को लगा के चेक करते हैं क्या हमारा स्पीकर जो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो ये देखें हमारे स्पीकर में कंटिन्यूटी आ रही है और किसी आवाज़ भी आ रही है स्पीकर में इसमें चेक करने से, तो हमारा स्पीकर बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा वाला स्पीकर हम चेक करते हैं जी, जी इसकी रही जो ग्रिप है इतना मेरे पास है जी। ये देखें दोनों स्पीकर ठीक हैं, इसको भी हमने लगाया जी, ये दोनों स्पीकर ही ठीक हैं बिल्कुल। जिन्हें मसला हमारे स्पीकर में नहीं है, हमारे सर्किट में मसला है, तब हम इसको चेक करते हैं जी क्या मसला है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं जी जो कैपेसिटर स्पीकर वाला जो कैपेसिटर फूला हुआ है जी, इधर देखें इस कैपेसिटर को भी चेंज करना पड़ेगा जी, कैपेसिटर फूल गया है जी। इधर से इस कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं सबसे पहले, फिर भी चेक करते हैं कैपेसिटर को हम निकालते हैं जी बाहर। ये देखें कैपेसिटर हमने बाहर निकाल लिया जी, जी हमारा कैपेसिटर है जी, ये फूल गया जी, तो इसको अब रिप्लेस करते हैं जी। इस कैपेसिटर को 16 वोल्ट 470 यूएफ का कैपेसिटर है, ये रहा जी हमारे पास नया कैपेसिटर, इसको अब अनसेट करते हैं जी। अनसेट करते हैं, इसको लगाते हैं सर्किट में, इसको सोल्डर करते हैं जी। अब इसको सोल्डर करने के बाद हमने सोल्डर कर लिया अच्छी तरह से, कैपेसिटर लगा के हमने चलाया है टेलीविज़न का, लेकिन आवाज़ अब भी नहीं आ रही, तो अब हम इसको चेक करते हैं जी। सबसे पहले तो हम सप्लाई चेक करते हैं जी, हमारी सप्लाई जो साउंड एसी को जा रही है उसके वोल्टेज जा रहे हैं कि नहीं आ रहे, साउंड एसी को मिल रहे हैं कि नहीं, मेरा जे हमारा साउंड एसी। तो यहाँ पर हमारा ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमें 15-16 वोल्ट मिलने चाहिए जी इस पिन पर। ये देखें यहाँ 15.69 वोल्टेज हमको मिल रहे हैं, मतलब ओके है जी, तो यहाँ पर भी ओके है। सब स्पीकर के थ्रू ओके बिल्कुल, यानी हमारे साउंड आईसी को सप्लाई है वोल्टेज की जा रही है जी। तो ग्राउंड भी चेक करते हैं, होता ग्राउंड ना आ रहा है उसको, में यहाँ पर सेंटर में ग्राउंड होता है जी, सेंटर पिन नहीं होती है इसकी,
जब 5 पिन का आईसी होता है, ये देखें हमें बिल्कुल प्रॉपर वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो साउंड है इसकी बिल्कुल ठीक है। अब इसका और तरीका है ये चेक करने का, तो अब हम सप्लाई के मजीद वोल्टेज हैं इनको भी चेक करते हैं जी। तो ये देखें जी, हमारा रहा जी ग्राउंड, ग्राउंड पे हमने रखा और जो पहले वोल्टेज हमने चेक किए जी, ये देखें जी 111 वोल्ट जा रहे हैं इधर जी, हमारे वोल्टेज बिल्कुल ओके हैं। तो इसके बाद हम चेक करते हैं जी इन वोल्टेज को, 26 वोल्ट वर्टिकल एसी के लिए, 11 वोल्ट और जे 15 वोल्ट साउंड एसी के लिए बिल्कुल ओके आ रहे हैं जी। ये वोल्टेज साउंड एसी के हैं बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद किस तरह चेक कर सकते हैं जी, हमने करना ये है जी कि हमारा टेलीविज़न ऑन होना चाहिए। टेलीविज़न हमारा ऑन है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये रहा हमारा हमारा साउंड आईसी जी अभी ने। तो अब इसके जो वो ऊपर वाली 3 पिनों की लेफ्ट वाली पिन है जी, इसको आप हल्का सा पानी लगा कर टच करेंगे तो आपको साउंड आएगा जी, हल्का सा साउंड आएगा। अगर आपको साउंड आ रहा है तो इसका मतलब है जी कि आपका जो टेलीविज़न है बिल्कुल ओके है साउंड आईसी। तो अब आपको मज़ीद चेक करके दिखाते हैं जी, हम आपको चेक कराते हैं जी इस साइज को कैसे चेक करना जी। ये देखें जी, इस साइज की 5 पिन होती हैं जी, ये देखें। तो इस वाली जो पिन है, ये वाली जे जे हमारी ऊपर वाली पिन है, ये वाली ये हमारी है जी पिन VCC की वोल्टेज की, जहाँ पर हमें 15 वोल्टेज मिलनी चाहिए इस पिन पे। इस पर ग्राउंड है, इस पर हम चेक करेंगे। देखें जब इसको लाएंगे यहाँ पर हम टच करेंगे तो हमारे स्पीकर से आवाज़ आएगी, आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जी हमारा स्पीकर से आवाज़ आ रही है टिक टिक की, जैसे हम टच करते हैं और ग्राम आ रही है, जिसका मतलब है जो हमारा साउंड है इसे बिल्कुल ठीक है जी, इसमें फॉल्ट नहीं आता। अब इसके लगता है जी मेन इसमें फॉल्ट है, तो इसका सिस्टम ऐसे है इधर लगा हुआ है, इसको चेक करते हैं जब हम। तो इसको चेक करने का तरीका है ये है जी, ये जो सिस्टम है इसी के, ये 2 पिन 4 और ये जो 5 और 6 वाली पिन है जी, 5 नंबर 6 5 नंबर 6 पिन 5 और 6 वाली, इन दोनों को टच करते हैं तो आपको हल्की सी आवाज़ आनी चाहिए इधर से। तो हमें हल्की सी आवाज़ आ भी रही है, हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके जो मेन आईसी है जी, इसको चेक करते हैं जी, आपको दिखाते हैं कैसे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जी 1K की, तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे तो हमारे जो स्पीकर में से आवाज़ आनी चाहिए जी कुछ ना कुछ। तो अब हम अटैच करते हैं जी 5 और 6 नंबर पिन को, ये देखें टच करने से इसमें आवाज़ आती है, इसका मतलब जो हमारा आईसी ही जो सिस्टम आईसी ख़राब हो गया है। ये देखें जैसे हम टच करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है जी, तो जो हमारा सिस्टम आईसी है ये ख़राब है, इसका हम रिप्लेस करेंगे फिर चेक करते हैं जी। तो अपने सिस्टम आईसी को हम चेंज करते हैं, हमारा सिस्टम आईसी ख़राब है, इसको रिप्लेस करते हैं अब। तो हम अपने सिस्टम आईसी को बाहर निकालते हैं जी आहिस्ता आहिस्ता से एहतियात के साथ। तो ये हम निकाल रहे हैं जी बाहर सिस्टम आईसी को, तो ये हमारा सिस्टम आईसी बाहर आ गया जी। हमने बेस लगाई हुई है जी सिस्टम आईसी में, इसलिए ये उतर जाता है और नया लग भी जाएगा इजीली। तो हम नया सिस्टम आईसी लगाते हैं जी इसकी जगह पे, ये देखें जी हमारा नया सिस्टम आईसी, तो इसको हम लगाएंगे जी बिल्कुल एहतियात के साथ, ध्यान के साथ। आप सिस्टम आईसी को बेस पे रख कर आस्ता आस्ता से दबाएं और इसकी हर पिन बाहर ना हो, पिन मुड़ी हुई ना हो, क्योंकि फिर हमारा जो आईसी है वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ इसकी चीज़ जो काम है वो नहीं कर पाएगा। कोई पिन ठीक से टच ना हुई तो जो हमने लगा दिया जी, चेक करते हैं। टेलीविज़न हो गया हमारा ओके, चेक करते हैं जी
बिल्कुल जी अच्छी अच्छी वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे बाल था जो इस सिस्टम ऐसी का था जो हमने नीचे निकाल दिया जी, आपके सामने ऐसी का बाल था जिसमें ये देखें एल चेक करना सकती है, सिस्टम ऐसी का नंबर है जी। तो हमारा टी वी ओके होगा जी, जी तो अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें जी, और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। सागर ने स्टोरी जो सागर पे जा रहा था।